अजमेर शहर में कुछ समय से महिलाओं के परिवाद आ रहे थे कि उनके पति जो है वो मेहनत से कमाए हुए 2 रुपए जुए में, सट्टे में और दारू में जा करके लगा रहे और हार करके आ रहे हैं। फिर हमें ये भी सूचना मिली कि डिग्गी चौक के पास कोई एक मकान है जहाँ पर ये जुआ चल रहा है, जिसमें लोग एक पेपर बिछी हुई रहती है जिसमें 1 से 10 तक नंबर लिखे रहते, उसमें पैसे लगाते हैं और ताश के पत्तों से नंबर खुलने से नंबर के अकॉर्डिंग उनको पैसे जीतते और हारते हैं। इस पर हमने आज शाम को कार्रवाई की, जिसमें हमने 12 लोगों को पकड़ा है, जिनमें से कुछ के नाम है मोहम्मद जुम्मा, मोहम्मद शहीद, जितेंद्र, मनीष व अन्य लोग। इनके साथ 4 बाइकें भी मिली हैं जो हमने मौके पर जब्त की है। कुछ रुपए मिले हैं खुले, जिससे स्पष्ट होता है कि ये 10-10, 20-20 रुपए के खुले रुपये से जुआ वहाँ खेल रहे। कैलकुलेटर मिले हैं और कुछ रुपयों का हिसाब भी मिला है। तो अजमेर में चलाए जा रहे अभियान SP सर द्वारा, उसी के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है और हम आशा करते हैं कि और सूचनाएं हमें परिवादियों से मिलती रहेगी, शहर के लोगों से, जिसपे हम आगे जाके और अच्छी कार्रवाई कर सकें। सर, किसके घर में चल रहा था ये सट्टा? ये अभी हम पता लगा रहे हैं, लेकिन हीरा नाम के व्यक्ति का नाम सामने आ रहा है। अभी हमें पूरा स्पष्ट पता नहीं चला है, लेकिन हम इस पर अभी अनुसंधान कर रहे हैं। सर, कितने का हिसाब मिला? हिसाब अभी हम जल्दी में अभी गिन नहीं पाए हैं, लेकिन कुछ 5,000 रुपयों के आसपास तक का हिसाब लगता है।